के जो कराची में दफातर उनको खोलने की इजाजत दी जा रही है, सब कुछ लबैक के साथ उनका झगड़ा वगड़ा भी हुआ, तो ये कुछ बताएंगे कि ये वो अब किस तरह के उनको एक्टिविटी की इजाजत होगी? क्योंकि पहले एज ए इंटीरियर मिनिस्टर लबैक जो है ये पंजाब में एक तीसरी पार्टी उभर रही है, जो अहले सुन्नत वाल जमात थे वो माइल्ड किस्म के और सुकून परस्त और मशायख और दुरूद और नात और, बट फर्स्ट टाइम लबैक एक जो है वो अग्रेसिव पार्टी के तौर पे सामने आ रही है और उसने अपना वोट बैंक भी इम्प्रूव किया है। नून और पीपल्स पार्टी के बाद, नून और तहरीक इंसाफ के बाद लबैक एक तीसरी पार्टी से भरी। लियारी में उन्होंने बिलावल भुट्टो को उनके बंदे ने हराया। नहीं, जनरली आप देखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है और वो थोड़े अरसे में उन्होंने अपना फुटप्रिंट बेहतर किया। एमक्यूएम के हवाले से लोग बड़े खौफजदा हैं कराची में, मेरी जिन लोगों से बात हुई है कि जी दफ्तर दोबारा खुल रहे हैं, वो दोबारा कहानी, तो ऐसा ही क्यों बात है? कुछ मैं नहीं देख रहा, अगर दफ्तर शिफ्टर ये एमक्यूएम जो है ना वो ताजदारे खत्म, मेरा बोवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म।